हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कटोरी चावल। कोई भी आप ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि बासमती हो या कोई भी नॉर्मल नॉर्मल सा चावल ले लेना है। ये बासमती का मिनी वाला साइज़ है, तो इसी से डेढ़ कटोरी मैंने चावल ले लिया है। और इसे अच्छे से धुलना है 5 से 6 पानी, जब तक कि इसका वाइट वाला पार्ट बिल्कुल क्लीन ना हो जाए। और क्लीन हो जाने के बाद हमें इसे बॉईल करना है। यहाँ पे मैंने धुल लिया इसको, 5 से 6 पानी से धुला हुआ है, तो एकदम क्लीन हो चुका है। और इसको धुले हुए में 15 मिनट हो चुका है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ गैस पे मैंने रख दिया है पानी बॉईल होने के लिए। कुकर में पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी, जिससे हमारा चावल जो है एकदम क्लीन हो जाए, खिला खिला सा रहे, चिपचिपाहट ना हो उसमें। और इसमें अब हम डाल देंगे अपना चावल। सीटी आने से पहले ही हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, बिल्कुल सीटी नहीं लगानी है। जब तक चावल बॉईल होता है, हम अपनी सब्जियों को कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों को मैंने 1 सीटी आने से पहले ही गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, और कुकर से सीटी बाहर करके, गैस बाहर करके हमने इसको एक प्लेट में फैला दिया है, ताकि ये एक्स्ट्रा कुक ना हो जाए। और देखिए कितना खिला खिला सा चावल बना हुआ है। ऐसा चावल बनाने के लिए आपको किसी पतीले की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीटी ना आने दें तो एकदम पतीले जैसा ही चावल खिला खिला बनेगा। यहाँ मैंने गैस पे रख दी है एक मोटी कढ़ाई एलुमिनियम की, ये थोड़ा सा थिक है, तो इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके बाद हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून तेल का, कोई भी ऑयल डाल दें आप। तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। 1 टेबल स्पून जीरा हमने डाल दिया है इसमें, और जीरा अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद हम डाल देंगे लहसुन, 2 से 3 बारीक कटा हुआ लहसुन हमें डालना है। जीरा पक चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे भी हल्का सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। लहसुन भुन चुका है, हम डाल देंगे प्याज। 1 बड़ा साइज़ का प्याज हमने स्लाइस में कट कर लिया है। इसे हल्का सा सौते करेंगे, कुछ नहीं करना है इसे हमें, बस हल्का सा फ्राई हो जाए, इसका क्रंचनेस खत्म नहीं हो। जैसा चाउमीन में हम लोग बनाते हैं वैसे ही रखना है इसे। इस ढंग से अगर आप फ्राई राइस बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए एक भी चावल आपके प्लेट में नहीं रहेगा, पूरा का पूरा आप चट कर जाएंगे। जिस ढंग से ये फ्राई राइस मैं बना रही हूँ, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल गोल्डन नहीं हुआ है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे बारीक स्लाइस में कटे हुए गाजर, और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे भी नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा पकाना है, ये सॉफ्ट हो जाए और लगे कि हाँ इसका कच्चापन खत्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैंने 1/4 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, और इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। आपको इसी समय मिर्ची भी डाल देनी है, मुझे थोड़ा ध्यान से हट गया था, तो आप मिर्ची डाल देंगे, बड़ी बड़ी स्लाइस में कटे हुए 2 मिर्ची। गाजर पक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसे भी हम पका लेंगे, जिससे ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसे भी हल्का सा ढक देंगे 1 मिनट के लिए। वाह, क्या खुशबू आ रही है इसमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल चाउमीन जैसा खुशबू आ रही है।
और इसको देख के चाउमीन की याद आ रही है कि चाउमीन खा लें। यहाँ पे सब्जियाँ लगभग कुक हो चुकी हैं, और अगर आप ऐसा फ्राई राइस बनाएंगे ना तो चाउमीन खाना भूल जाएंगे। इतना अच्छा ये राइस बनता है। यहाँ पे सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पकाना है। थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हुआ है इनका। अब इसमें डाल देंगे चौथाई कटोरी मटर, ये फ्रोजन मटर है। अगर कच्ची मटर हो तो आप उसको सब्जियों के साथ ही पका लें। इसे भी मिक्स कर लेंगे, एक मिनट इसे भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। हल्का सा सॉफ्ट कर लेना इसको भी। अब देख सकते हैं कितनी कलरफुल सब्जियां हैं। आप चाहें तो और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। आधे मिनट के लिए इसे भी हल्का सा कुक कर लेंगे। यहाँ सब्जियां पक चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून बिरयानी मसाला। आप चाहें तो ना डालें, अगर पसंद नहीं है तो बिना मसाले के भी काफ़ी अच्छा बनेगा ये। तो इसे भी अच्छा मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देंगे, कलर अच्छा आ जाएगा इसलिए। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल दें चावल को, जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो सारे चावल कोट हो जाए सब्जियों और मसालों के साथ। बढ़िया से इसे मिलाते रहें। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया सा दिख रहा है हमारा फ्राई राइस। मुंह में पानी आ जाने वाला, बिल्कुल कलरफुल। डाल देंगे एक टेबल स्पून सोया सॉस, इसे मिक्स कर लेना है, जिससे सारी चावल में मिक्स हो जाए। ये गैस का फ्लेम लो पे ही रखना है। इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून विनेगर। अब डाल देंगे दो टेबल स्पून टोमेटो सॉस। एक टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। डाल देंगे इसमें नमक टेस्ट अनुसार, जितना कम ज़्यादा आप खाते हो वो डाल लें। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक और मसाले और जितनी सॉसें हमने डाली हो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और अभी देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है, और टेस्ट बिल्कुल चाउमीन जैसा ही लग रहा है। तो झटपट बन जाता है। यहाँ पे हमारा फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे।